हाय एवरीवन, माय नेम इज आचार्य आलोक। आई एम फ्रॉम आचार्य एस। एज आई टोल्ड यू इन माय प्रायर वीडियोस दैट एग्जाम कैन हैपन इन एनी मंथ। इट कुड बी हैपेंड इन 27th और 26th अक्टूबर, बट नाउ द सोर्सेस आर कमिंग, द ऑफिशियल्स notifications are coming that your examination would happened in December month, 7 or 8th December. From where I got this information? So the source of information is Ayog has just sent some notification to respective district magistrates to arrange the centers. As I earlier told all of you that in my prior videos, that exam can happen in any month. It could be in in October as decided earlier, but now the date is coming on December. So no need to panic. Just focus on your mock tests. No need to read new things, but some subjects are there you have to take care of. First is history. In history, if you look the syllabus and previous year papers, you would got to know that in history, ancient history and medieval history is very important. And modern history is also important, but ancient and medieval histories बहुत ही ज़्यादा important है. तो उसमें आपको बहुत अच्छे से ancient history के जो आपका हड़प्पा सभ्यता है, Indus Valley Civilization, उसके बाद जितने भी मौर्य साम्राज्य है, आपका चोल साम्राज्य है, संगम लिटरेचर है, इस और पुराने काल में लिखी गई कविताएं का, जैसे पद्मावत है और पुस्तकें, इनके बारे में आपको बहुत याद करना है, बहुत समझना है. एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से गलत नहीं होना चाहिए. ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को कंबाइन करके आप पढ़िए, जिसमें आप देख सकते हैं जो रामसर साइट्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, कन्वेंशंस जितने भी हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ICUN का जो डेटा है उसे आप पढ़ लीजिए, उसके एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए. पॉलिटी में अगर मैं बात करूँ तो फंडामेंटल राइट्स हो गए, पंचायती राज हो गया, और DPSP हो गए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं. राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, तो बहुत बेसिक चीज़ें, ये आपको बिल्कुल आनी चाहिए. पार्लियामेंट, लोकसभा, जितने भी तीन ऑर्गन हैं, जुडिशरी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए. कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे उड़ा दें. नेक्स्ट, आफ्टर पॉलिटी, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, देन ज्योग्राफी हो ही गया, एनवायरनमेंट के साथ इसे सफाइस करके पढ़ें. और इसके बाद आता है आपका इकोनॉमी. इकोनॉमी में यूपी बजट जितना भी है आप उसे बिल्कुल भी मिस न करें, और उसके लिए आप मार्केट में बहुत सारी बुक हैं, मैं बार बार बुक का नाम नहीं लूंगा, जो आपके पास है. आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी बुक्स राइट नाउ. फॉर करंट अफेयर आप ले सकते हैं कोई भी बुक ऐसी जो आपको लगता है कि PCS के हिसाब से अच्छी है, वो करंट अफेयर आप ले सकते हैं एक साल का, वरना 6 महीने का तो आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए. बुक्स राइटर, बुक्स एंड राइटर्स अवार्ड्स, और जो अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ है, और ये ओपन, फ्रेंच ओपन या फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन जो टेनिस का जो होता है, ये सारी चीज़ें आपको रेडी होनी चाहिए. नोबेल पुरस्कार का भी अभी लिस्ट आ गई है, तो वो भी आप देख लीजिए. और नोबेल पुरस्कार लगभग आप 4-5 साल के पुराने भी रिवाइज करके जाइए, क्योंकि एक क्वेश्चन वो ऐसा करते हैं वो 3-4 साल पुराना दे देते हैं कि भाई इस समय में कब मिला. शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और साहित्य के लिए जो जितने भी पुरस्कार मिलते हैं, ये सारे आपको बिल्कुल कंठस्थ रटे होने चाहिए.
तो इसके बाद ये चार सब्जेक्ट मेन है, मेन मेन है। इसके बाद आप सी सेट में अगर बात करें तो सी सेट में आपको बेसिक कैलकुलेशन, रीजनिंग वगैरह पे अच्छा काम करना चाहिए। आपको पता कैसे चलेगा कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के आते हैं, तो उसके लिए आप ऐसा कीजिए, आप 10th, सॉरी 10th नहीं, आप डू वन थिंग कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 4-5 साल के लगा लीजिए, आपको सी सेट में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो लगे रहिए। और जो आपके पुराने सोर्स हैं, जैसे आप जिससे आप पढ़ रहे हैं पिछले साल, आपने अगर पुराने एक्सपीरियंस लोग हैं तो पिछले साल जिससे आपने तैयारी करी थी, जो स्टैटिक नोट्स हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आपको पुराने नोट्स करंट अफेयर के पढ़ने हैं, वो तो एक बेवकूफ़ी वाली बात होगी। तो जो आपके स्टैटिक नोट्स हैं, जैसे जियोग्राफी में बहुत सारा स्टैटिक्स है, हिस्ट्री सारा स्टैटिक्स होता है, तो ये सारे नोट्स आप उसी से रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें। अगर आपके पास बुक है रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से रिवाइज कीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट को बिल्कुल मत भूलिए भूलिए। जैसे आप अगर ले रखी है सीरीज, नहीं ले रखी तो आप, इतना समय नहीं है, आप तुरंत अपनी टेस्ट सीरीज लीजिए और टेस्ट सीरीज लेके उसे बार बार लगाइए, बार बार लगाइए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं आता रहूँगा, बताता रहूँगा जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा आपको कि कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है। और इस बार हमारा, हम मानते हैं कि इस बार बहुत सारे लोग जो अभी नए हैं वो सेलेक्ट होंगे यूपीपीसीएस 2023-2024 की परीक्षा। धन्यवाद, जय, नमस्कार।